नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्शमेलो रूट की। मार्शमेलो रूट के फायदे बहुत से लोगों को पता नहीं है। इसका उपयोग प्राचीन समय से हृदय को स्वस्थ रखने, संक्रमण को दूर करने, पाचन सुधारने और त्वचा को स्वस्थ रखने, घाव को ठीक करने आदि के लिए किया जा रहा है। मार्शमेलो रूट का औषधीय रूप में उपयोग अपना विशेष स्थान रखता है। इस वीडियो में आप जानेंगे मार्शमेलो रूट के फायदे और नुकसान के बारे में, जिनका उपयोग कर आप अपने स्वास्थ्य समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। आइए जानते हैं मार्शमेलो रूट क्या है। यह एक औषधीय जड़ी बूटी है जो हमारे शरीर के लिए प्राकृतिक श्लेष्म का काम करती है। इसका मतलब यह है कि यह हमारे लिए नरम फाइबर की तरह कार्य करता है। यह पानी के संपर्क में आने पर फूल जाता है। मार्शमेलो रूट की यह गुणवत्ता झिल्ली के चारों ओर एक सुरक्षात्मक आवरण तैयार करती है। मार्शमेलो रूट में फ्लेवोनॉइड्स, एंटीऑक्सीडेंट, पेक्टिन जो एक प्रकार के फाइबर होते हैं। इसके अलावा इसमें एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल पदार्थ, एस्पिनिन जैसे अमीनो एसिड, क्यूपरीन, फेनोलिक एसिड, टैनिन और क्वेरिसेटिन जैसे अन्य यौगिक होते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि ये सभी यौगिक श्वसन पथ में श्लेष्म झिल्ली के कामकाज में सुधार करते हैं। मार्शमेलो रूट में एंटीऑक्सीडेंट भी अच्छी मात्रा में होते हैं जो ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद करता है। आइए विस्तार से जानते हैं मार्शमेलो रूट के फायदे क्या हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मार्शमेलो रूट का उपयोग हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। वैज्ञानिक विभिन्न हृदय स्थितियों के इलाज के लिए मार्शमेलो फूल से निकले जाने वाले रस के उपयोग पर परीक्षण कर रहे हैं। 2011 में एक पशु अध्ययन के दौरान लिपिमिया, प्लेटलेट और सूजन संबंधी समस्याओं के लिए मार्शमेलो फूल के रस का परीक्षण किया। ये सभी समस्याएं कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों का कारण बन सकती है। इस अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि नियमित रूप से एक माह तक मार्शमेलो के फूल के रस हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। इसके अलावा यह HDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। इन समस्याओं से बचने के लिए मार्शमेलो से प्राप्त रस की 2-5 ml मात्रा को दिन में 3 बार सेवन करें। 2014 में किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि मार्शमेलो रूट दर्द से छुटकारा पाने में मदद करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मार्शमेलो रूट में दर्द कम करने वाले एनाल्जेसिक गुण होते हैं। मार्शमेलो रूट का उपयोग सुखद अनुभव के लिए उपयोग किया जाता है। यह गले की खराश और दर्द आदि का भी प्रभावी रूप से इलाज कर सकता है। इसके लिए आप 2-5 ml तरल मार्शमेलो का उपयोग दिन में 3 बार सेवन करना चाहिए। यदि आपको इसका सेवन करने से किसी भी प्रकार की समस्या हो तो इसका सेवन तुरंत बंद कर दें और अपने डॉक्टर से सलाह लें। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो मार्शमेलो रूट का उपयोग कर सकते हैं। यह आपके लिए वजन कम करने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका हो सकता है। यह आपके वजन को इसलिए नियंत्रित करता है क्योंकि मार्शमेलो का उपभोग करने पर यह लंबे समय तक आपकी भूख को नियंत्रित रख सकता है। यह पाचन में भी आसान होता है, इसके कारण आप अतिरिक्त कैलोरी का उपयोग करते हैं। इसलिए नियमित रूप से इसके सेवन करने पर आपके शरीर में अतिरिक्त कैलोरी जमा नहीं हो पाती, परिणाम स्वरूप आप अपने वजन को नियंत्रित कर सकते हैं। इसका उपयोग कैसे करना है वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि मार्शमेलो रूट में मौजूद श्लेष्म आपके बालों के लिए फायदेमंद होते हैं। यह बालों को प्रोटीन उपलब्ध कराता है और बालों को मोटा करने में मदद करता है। मार्शमेलो में मौजूद श्लेष्म बालों को मजबूत करने और कंडीशनर के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। आप अपनी त्वचा को स्वस्थ बनाने के लिए मार्शमेलो रूट का उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव को भी दूर करने के लिए किया जा सकता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि सूर्य प्रभाव से होने वाली त्वचा की समस्याओं के लिए मार्शमेलो रूट लाभकारी होती है। त्वचा समस्याओं से बचने के लिए आप क्रीम, मलहम या तेल के साथ मार्शमेलो से निकाले गए रस का उपयोग सुबह शाम करें। सूर्य के संपर्क में आने के बाद इसका अधिक बार उपयोग कर सकते हैं, लेकिन त्वचा पर इसका उपयोग करने से पहले परीक्षण करने की आवश्यकता होती है। आप अपने शरीर के अन्य हिस्से के छोटे से क्षेत्र पर इसका उपयोग करें। यदि 24 घंटे के भीतर किसी भी प्रकार की जलन या सूजन नहीं होती है तो यह आपके लिए सुरक्षित हो सकता है। पेट से संबंधित समस्याओं के लिए मार्शमेलो रूट बहुत ही लाभकारी होती है। विशेष रूप से यह पाचन संबंधी विकारों का प्रभावी रूप से इलाज कर सकती है। मार्शमेलो का नियमित सेवन कर आप कब्ज, अपचन, आंतों की जलन आदि परेशानियों से बच सकते हैं। 2011 के अन्य अध्ययन से पता चला है कि मार्शमेलो के फूल के रस का सेवन करने से गैस्ट्रिक अल्सर के इलाज में फायदा होता है। यदि एक माह तक नियमित रूप से इसका सेवन किया जाए तो यह शरीर में एंटी अल्सर गतिविधि को बढ़ावा देता है। आइए अब जानते हैं मार्शमेलो का उपयोग किस तरह करना है। हम मार्शमेलो का उपयोग मार्शमेलो चाय बनाकर करेंगे। आप औषधीय गुण से भरपूर मार्शमेलो टी बनाने के लिए एक जार में इसकी जड़ी बूटी लगभग 1/4 जार डालें। अब इस जार में आप गर्म पानी डालें और जार को पैक कर दें। अब इसे ढक्कन से ढक दें। आप इस जार को लगभग 6 घंटे या पूरी रात के लिए ऐसे ही रखे रहने दें।
आप अगली सुबह इस पानी का रंग हल्का पीला देखेंगे। आप इसे किसी पतले कपड़े या छन्नी से छान लें। आपको जो गाढ़ा तरल पदार्थ मिलेगा वह आपकी मार्समेलो चाय है, लेकिन इसकी कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए इसकी जानकारी होना भी आवश्यक है। आइए जानते हैं मार्समेलो को सेवन करने की निर्धारित मात्रा क्या है। श्वसन संबंधी समस्याओं के लिए मार्समेलो रूट पाउडर की 1 से 2 चम्मच मात्रा का दिन में कई बार सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा आप मार्समेलो चाय के 1 से 2 कप का सेवन कर सकते हैं। पाचन समस्याओं के लिए प्रतिदिन 6 ग्राम मार्समेलो रूट लें। इन समस्याओं के लिए आप मार्समेलो पाउडर, कैप्सूल या चाय का सेवन कर सकते हैं। यदि आप इसे अपनी त्वचा पर उपयोग कर रहे हैं तो आप इसकी जड़ के साथ किसी मलहम या तेल का उपयोग कर सकते हैं। आप अपने बालों के लिए मार्समेलो टी का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि आप किसी दवाओं का सेवन कर रहे हैं तो ध्यान दें कि दवाओं के सेवन के 2 घंटे के बाद ही मार्समेलो रूट का सेवन करें। इसके साथ ही मार्समेलो रूट खाने के नुकसान भी हैं, जरा वो देख लीजिए। आयुर्वेदिक औषधि होने के बाद भी यदि अधिक मात्रा में इसका सेवन किया जाता है तो इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। गर्भावस्था और स्तनपान कराने के दौरान मार्समेलो रूट का अधिक मात्रा में सेवन ना करें। इस दौरान मार्समेलो रूट की सुरक्षा की पर्याप्त जानकारी नहीं है, इसलिए इसका अधिक मात्रा में सेवन करने से बचना चाहिए। कुछ जानकारों का मानना है कि मार्समेलो का अधिक मात्रा में सेवन करने से आपके शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को प्रभावित कर सकती है, इसलिए यदि आप मधुमेह संबंधी किसी भी प्रकार की दवा का उपभोग कर रहे हैं तो मार्समेलो का सेवन करने से बचें। यह आपके शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को बहुत ही कम कर सकता है। चूंकि मार्समेलो रूट का रक्त शर्करा के स्तर को प्रभावित करती है, इसलिए यह शल्य चिकित्सा के दौरान और उसके बाद रक्त शर्करा के नियंत्रण में हस्तक्षेप कर सकती है, इसलिए सर्जरी के पहले कम से कम 2 सप्ताह पहले इसका सेवन करना बंद कर दें। तो दोस्तों, इस तरह मार्समेलो का उपयोग कीजिए और स्वस्थ रहिए। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।